जी नमस्कार, स्वागत है सीमा आपका। हाँ जी जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। नमस्कार जी, आदाब। हाँ जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा नाम मेरा मेरी उम्र अब तो 52 साल हो गई, लेकिन 10 साल हो गए गेहूँ से एलर्जी है। गेहूँ से एलर्जी, और कुछ बताना चाहेंगे? गेहूँ अगर पेट में चला जाता है तो वजन नहीं बढ़ता, खून पानी नहीं बढ़ता। नहीं, ये बताइए क्या होता है आपको? गेहूं खाने से उल्टी होती है? गेहूं खाने से वजन नहीं बढ़ रहा मेरा कितना, और भूख कम लगती है। गेहूं खा लिया तो पूरे दिन एक ही बार खाना खाऊंगी, दोबारा भूख लगती नहीं है। ठीक है ठीक है, तो देखिए बहुत आसान इलाज है सीमा जी आपका, और वो ये है कि जब भी आपको गेहूं खाना हो तो एलोवेरा, आप जानते हैं एलोवेरा? सभी जानते हैं तकरीबन इंडिया में तो, और इसका सिरका मिलता है, सिरका विनेगर को कहते हैं। तो एलोवेरा का सिरका 1 या 2 चम्मच अपनी सब्जी में, जो सालन आप सब्जी लेते हैं उसमें मिला लिया करिए, सब्जी भी जायकेदार हो जाएगी और उसका हजम बढ़ जाता है एकदम, हाजमा बड़ा दुरुस्त रहेगा। या पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं, 1 या 2 चम्मच एक गिलास पानी में मिलाकर पी लें तो भी अच्छा है, जैसा आपको आसानी हो आप शुरू करें। आज से शुरू करेंगे तो मुझे उम्मीद है आज से ही आपको फायदा महसूस होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए पहले तो आप। अच्छा, सवाल कीजिए और नाम बताइए अपना। गंगा रतन त्रिपाठी जी, सवाल कीजिए। हाँ, उनको पार्किंसन की प्रॉब्लम है। ठीक है, एज बताइए। हाँ तो एज है उनकी 70। अच्छा, पूरे शरीर में है या गर्दन में है, हाथ में है? पूरे शरीर उनका काम नहीं करता है, हाथ पैर कर, हाथ करते हैं, पैर बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, देखिए इस उम्र में कुछ लोगों को ये बीमारी हो जाती है पार्किंसन की, और ऐसे लोगों को मूंग की दाल की बनी हुई सब्जी या कुछ भी, हलवा और खिचड़ी एक तरह तरह से बनती है ना, मूंग की दाल बहुत तरह से बनती है, इन्हें खूब कसरत से खिलाइए। और एक नुस्खा मैं बता देता हूँ, वो आप इस्तेमाल करिए। देखिए ब्राह्मी बूटी नाम लिख लीजिए आप, बहुत मशहूर बूटी है ब्राह्मी बूटी, 100 ग्राम ले लीजिए, और हल्दी 50 ग्राम, ब्राह्मी बूटी 100 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, और धनिया 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, और गौन मोरिंगा 100 ग्राम, इनको खूब बारीक पाउडर बनाएं। मोरिंगा का गौन थोड़ा नकली भी मिलता है, ज़रा संभल के लेना। इसको पाउडर बना के 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खाने के बाद सादे पानी से खिलाना शुरू करें, मुझे उम्मीद है इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है सुभाष से हमारे साथ, स्वागत है आपका सुभाष। हाँ जी, वो मेरी उम्र है 65 साल। क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया, क्या उम्र है आपकी? हेलो जी, मैम मेरी उम्र है 65 साल जी, और मेरे को गैस की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की जी, और कुछ तो नहीं बताना? ठीक है, नमस्कार मैम। ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल। हाँ देखिए, इस उम्र में गैस की प्रॉब्लम कोई बड़ा रोग नहीं है, लेकिन अगर हम इसका सही इलाज ना करें तो ये बड़ा रोग बन सकता है, क्योंकि बीमारियां जो हैं पेट से ही शुरू होती है, पेट बीमारियों का की जननी है। तो देखिए, एक तो गर्म पानी पिया करिए दिन में 5 बार, आज से ही शुरू करें और आज से ही फ़ायदा देखें।
ये भी एक इलाज है बगैर दवा का, कि 5 बार गर्मा गर्म पानी पीजिए, चुस्कियाँ लेकर जैसे चाय पीते हैं ऐसा गर्म पानी, एक तो ये इलाज है। और अगर उससे भी आपको कम फायदा लगे तो देखिए बहुत आसान इलाज है, आपके किचन में जो धनिया है, धनिया लीजिए, सौंफ लीजिए, सौंठ लीजिए, अजवाइन लीजिए, धनिया सौंफ सौंठ अजवाइन जीरा, धनिया सौंफ सौंठ अजवाइन जीरा और गौन मोरिंगा, गौन मोरिंगा बाहर से लेना पड़ेगा, असली वाला लेना, ये बहुत कीमती दवा है, पाउडर बनाइए इसका, और एक छोटा चाय का चम्मच सुबह शाम खाने से पहले ले तो बहुत ज़्यादा फायदा है, बाद में भी ले सकते हैं, पानी के साथ लेना है, और 1 घंटा पैदल चला करिए जी, इससे आपको फायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है सुरभि पटना से हमारे साथ, स्वागत है सुरभि आपका। हेलो, हाँ जी बोलिए। मेरी उम्र 19 साल है और मेरे पापा के हाथ में, मेरे पापा की एज 15 ईयर्स है और उनके एक हाथ में बहुत झनझनाहट रहती है, और मेरा क्या है कि मेरा एक शरीर का रंग नहीं है, मतलब चेहरे का रंग कुछ और, कंधे के नीचे का कुछ और ऐसे है, और मेरी मम्मी को नींद नहीं आ रहा है, सो नहीं पाती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कितनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह जी, बिल्कुल। और इनके सवाल याद रखना, बिल्कुल। पहले आपके पापा से शुरू करते हैं, देखिए मोंठे में दर्द है तो ये अगर आपके पापा देख रहे हैं तो ये देखिए मोंठे यहीं पर रहें, ये नहीं उठने चाहिए, गर्दन जाए ऐसे ऐसे, अपने पापा से कही 2-4 मिनट ऐसा करना है रोज़ाना, चाहे किस्तों में करें, इंस्टॉलमेंट में करें, 1-1 मिनट करके 4 बार कर लें, एक तो ये, एक ये, एक ये, ऐसे 2-4 मिनट ये भी करना है पूरे दिन में, और मुझे उम्मीद है कि इसी से फ़ायदा हो जाएगा उनको 10 दिन बाद, और अगर फिर भी ना हो तो आप गोंद स्याह, एक काला गोंद आता है, गोंद स्याह बोलते हैं उसे, कड़वा होता है, महंगा होता है और नकली भी बहुत मिलता है, तो ये 100 ग्राम खरीद लें, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम दें, और ये 100 ग्राम गोंद ख़त्म होने से पहले आपके पापा को फ़ायदा होना मुमकिन है। मम्मी का नींद नहीं आती उन्हें। अच्छा, मम्मी को रोज़ाना रात के समय एलोवेरा तो आप जानते हैं, एलोवेरा का सिरका 2 या 3 छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला के या उनके सब्जी सालन में मिला दिया करें, एलोवेरा का सिरका यानी वेनेगर, तो जिस दिन से शुरू करेंगे मम्मी को तो उसी दिन से फ़ायदा शुरू हो जाएगा और आप बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, आपके रंग के लिए मैं एक दवा बताता हूँ, और वो ये है कि अलसी 300 ग्राम, अलसी आपकी मम्मी जानती होंगी, अगर आप नहीं जानते अलसी लीजिए, साफ सूफ कीजिए 300 ग्राम और हल्का सा भून लीजिए, फिर इसका पाउडर बना दीजिए, अपने पास रखिए, और अलसी 300 ग्राम और 100 ग्राम गौन मोरिंगा इसमें मिलाइए, और आधे से एक चम्मच दिन में 2 बार खाइए, पानी के साथ खाएं, पतली सी हैं तो दूध के साथ खाएं, हेल्दी हैं तो पानी के साथ खाएं, मुझे उम्मीद है आपको भी फायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है राजीव लखनऊ से हमारे साथ, स्वागत है राजीव आपका। आप जी नमस्कार। नमस्कार जी आदाब। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी मिसेस की उम्र है अप्रॉक्स 45 के आसपास जी, तो इनमें मतलब हाथों के तलवों में, पैरों के तलवों में काफी पेन था अभी 5-6 महीने पहले, तो हमने ट्रीटमेंट लिया ऑर्थोपेडिक सर्जन में, तो दवाई खिलाते रहे उनको, लेकिन उसमें कुछ खास रिलीफ मिला नहीं। ठीक है, तो दरअसल मैंने कुछ टेस्ट कराए तो उसमें इनका रूमेटॉइड आर्थराइटिस निकला था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और यूरिक एसिड आया था 7.8, तो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, 50% के करीब आराम है, लेकिन
मतलब हम देखते हैं एक पोजीशन पे आके जैसे आराम रुक गया और जैसे मतलब बिस्तर से उठ के पैर स्टार्टिंग में रखती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है पहले 10-15 मिनट तक। अच्छा, इनको कमर में भी तकलीफ होगी? नहीं, कमर में नहीं होता है डॉक्टर साहब, खाली पैरों के तलों में। अब यह है कि पैरों की फिंगर में आराम आ गया है, लेकिन जैसे एड़ी वगैरह रखती है, एड़ी ऐसे रखती है तो 15-20 मिनट बहुत प्रॉब्लम देता है वो, फिर बहुत धीरे धीरे चल रही है। अच्छा, पिंडलियों में और थाइज में कुछ तकलीफ है? नहीं डॉक्टर साहब, थाइज में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक अच्छा सा नुस्खा है और वो ये है कि ये थोड़ा फायदा करेगा 2-3 महीने में पूरी तरह, लेकिन जो फायदा करेगा तो फायदा ही करेगा, और जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और कोई भी वजह है तो उसको वो निकाल देता है। यूरिक एसिड हमारी किडनी के जो सिस्टम है वो ख़राब होने से बढ़ता है, वो ज़्यादा यूरिक एसिड रोक लेती है। किडनी की जिम्मेदारी है कि वो ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को रोके, बाकी को निकाल दे पेशाब के ज़रिए। तो 400 ग्राम आपको लेनी है अलसी, अलसी आपकी धर्मपत्नी जानती होंगी, अलसी ले लें, 400 ग्राम सस्ती आती है, और उसको साफ सूफ करके हल्का सा भून कर पाउडर बना सकते हैं या चबा के खा सकते हैं। 400 ग्राम अलसी और 100 ग्राम गोंद सिया, एक गोंद है मुश्किल से मिलता है, असली लेना, असली के बड़ा ज़रूरी है लेना, 100 ग्राम काला गोंद इसमें मिला कर पाउडर बना के रखें। और देखिए, 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम खाना है, एक बड़ा कैप्सूल के बराबर। 8 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होगा, शायद 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन बाद भी हो सकता है, लेकिन ये इस रोग को जड़ से ख़त्म करता है, मेरा तजर्बा है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर है अंजना, एमपी से हमारे साथ, स्वागत है अंजना आपका। हाँ नमस्कार हकीम साहब। आदाब आदाब अंजना जी। हाँ, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगी, और क्योंकि आज मैं स्वस्थ हूँ तो आपकी दवाई से टी केयर, और मैंने घर में बनाई थी सूर्यजान अश्वगंधा वाली अलसी। डॉक्टर साहब, क्या है मेरे को टीबी हो गया था, साथ में कमर दर्द हो गया था, तो कोई भी डॉक्टर, हेलो जी जी, आवाज आ रही आवाज, आप बोलिए। हाँ जी हाँ जी, मेरे को टीबी भी हो गया था और हड्डी वाला टीबी और कमर स्लिप डिस्क भी साथ में था, कोई भी डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा था। मैं बॉम्बे भी गई, इंदौर भी गई, सब जगह गई, मेरी बेटी भी डॉक्टर थी तो वो मेरे को ले लेके घूमी, लेकिन एक डॉक्टर ने फिर पकड़ लिया कि इनको टीबी है। टीबी का 1 साल इलाज चला, लेकिन मेरे कमर दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर सावरकर है इंदौर नागपुर में, तो उन्होंने कहा मेरे से कि बेटा अब तुम ठीक नहीं होगी, तुम तो एक काम करो, आराम करो और ऐसे ही जिंदगी काटो। मैं लेटी लेटी आपका टीवी देखती थी, तो फिर आपने बताया तो मैंने वो दवाई ली। आज मैं बहुत अच्छी हूँ, कमर दर्द पूरा गायब है, स्वस्थ हूँ, और मैं आने खुद दवाई बना के कई लोगों को बांट चुकी हूँ और सबसे कहती हूँ, है ना। तो डॉक्टर साहब, लेकिन मैं यही चाहूंगी कि आपकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, है ना, और जितने भी शब्द हैं वो कम पड़ जाएंगे। मैं चाहूंगी कि हर माँ के पास आप जैसा एक बेटा हो, है ना, और क्या कहूँ डॉक्टर साहब, है ना, लेकिन हर माँ हर जन्म में आपको आपके जैसा हर बेटा मिले। देखिए हाँ जी, आपकी मोहब्बत। उसके बाद डॉक्टर साहब एक और बात, मैं ये चाहूंगी कि इस बात को मैंने इसलिए डिटेल से सबको बताया है कि कोई कभी हिम्मत ना आ रहे और आपको ही देखते रहे। मैंने बस कुछ भी नहीं किया, आप ही आपकी बात मानी है। आज सर ये बस थोड़ा सा डॉक्टर साहब भारी रहता है, तो अभी मैंने फोन किया था तो शिवरंजनी बूटी मंगाई है, तो उन्होंने कहा कि आप 2 महीने खाएंगे तो, और मैं नहीं पूरा काम कर लेती हूँ अब मैं, और सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस शरीर थोड़ा भारी रहता है डॉक्टर साहब। और आपसे आज हमारी बात हो गई तो हमें ऐसा लग रहा कि एक जिंदगी सार्थक हो गई मेरी। हाँ देखिए, दरअसल आप बहुत अच्छी औरत हैं, बहुत प्रेम वाली हैं, और आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि मुझ जैसा बेटा हर माँ को मिले, और अगर आप मेरी माँ हैं तो मेरे लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि मेरी माँ तो है नहीं।
और ये जो फ़ायदा दिया ये आपको ऊपर वाले ने दिया, मेरा काम यह है कि जो मेरे एक्सपीरियंस तजर्बात हैं मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। और मेरे साथ आप जैसी कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं लाखों की तादाद में, जो डायरियां लिखती हैं और फ़ायदा उठाती हैं और फिर अपनी तरफ से लोगों को दवाइयां बना के फ्री में बांटते हैं। तो ये मेरा काम है, सेवा का, खिदमत का काम है। आप भी मेरे साथ जुड़ गई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इतनी खुशी हो रही है आपका फीडबैक देने से। हाँ, ये टी केयर दवा आप लेते हैं, ये किसी की कमर में दर्द अगर किसी सूरत नहीं जाता है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बताया तो लोग और ज़्यादा भरोसा करेंगे, और इसका तकलीफ़ वाले लोगों को बताना ही सेवा है कि इससे आपको फ़ायदा होता है। और आपने जो दवा मंगाई है उसे इस्तेमाल करें। 5 गिलास रोज़ाना गर्म पानी आपको पीना है और 1 घंटा पैदल चलना है धूप में। और अपना खूब ख्याल रखिए, जो बीमारी चल रही है या आप इससे आपको परहेज़ करना है, इससे बचना है और लोगों को बचाना है। मुझे उम्मीद है कि आपका शरीर हल्का भी हो जाएगा।